एक बात है निर्मला जी कि आप साउथ में आपने बहुत भी प्रचार किया और जैसे आप साउथ में डटी रही, आप चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सब जगह प्रचार करती रही और इस बार देखा गया कि प्रधानमंत्री का भी बहुत जोर साउथ के ऊपर था, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की साउथ में सीट्स आएंगी या उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में हर प्रांत के ऊपर ध्यान देते हैं, साउथ के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे स्कीम्स का बेनिफिट उनको भी अच्छा मिल रहा है, मगर उधर के स्टेट लेवल के पार्टी उसके बारे में ज्यादा बात करते नहीं है, क्योंकि उनको उससे फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी जी का स्कीम्स मिलने में उनका उससे फायदा नहीं है, इसीलिए बात नहीं करते। और हमें तमिलनाडु से एक भी एमपी नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ही खुद बात करते हैं। जैसे मगर कैंपेन के दौरान हर प्रांत में जाते हैं, तमिलनाडु में भी गए, आंध्रा में भी गए, केरल में भी गए। साउथ में माहौल बहुत अच्छा है और इतना प्रधानमंत्री जी के ऊपर आम जनता के बातों को सुनेंगे तो लगता है कि उनको उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। और ये भी सच है कि साउथ में से बहुत सारे अननोन पीपल को पद्मा अवार्ड्स भी मिला है, उससे उधर प्रभाव अच्छा पड़ा है और स्कीम्स भी इतने सारे स्कीम्स के कारण, सो माहौल अच्छा है और इसमें से हम जरूर अच्छा सीट्स जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। आपके हिसाब से साउथ की जो चार सीट्स हैं उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा किस स्टेट में अच्छा होगा? वैसे मैं बोल नहीं सक रही हूँ, आज आंध्रा में हो रही है, तेलंगाना में हमारे पार्टी भी अच्छा मेहनत की है, ग्राउंड में हमारे यूनिट्स अच्छा है, हर स्टेट का उनके अपने अपने प्रोपोर्शनेट लेवल्स हैं जहाँ पार्टी का भी ताकत ग्राउंड में है, इसलिए नंबर के स्पेकुलेशन में मैं कंफर्ट नहीं फील करती हूँ।